गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने जो पढ़ा था उसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। किसके कारण? सनलाइट के कारण। सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। कुछ प्राकृतिक घटनाएं किसके कारण देखने को मिलती हैं? सनलाइट के कारण। जो इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था, रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन देखा था कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको बताया था हमने दो तरह की रेनबो होती है, एक प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो। नहीं तो दो तरह का रेनबो के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया था। फिर उसके बाद बताया था आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है रियल में? कि लाइट जिस पाथ पे आ रही है वो अपने पाथ को चेंज कर लेंगी, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट ऐसे आ रही है और इस यहाँ आने के बाद लाइट क्या हुई? हर डायरेक्शन में फैल गई। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग होने के लिए कंडीशंस आपको हमने बताया था कि लाइट जिस पार्टिकल से टकराएगा, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, जिन भी पार्टिकल से टकराएगा उस पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, तब जाके स्कैटरिंग हो पाती है। एक लॉ था रैले, रैले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। उन्होंने बताया था कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग या एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4। ऐसा बताया था, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ^4। मतलब लेमडा जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग उतना ही कम। लेमडा सबसे कम विवग्योर में किसके लिए होती है? वायलेट कलर के लिए। मतलब वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, फैलेगा, ठीक है। रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होने के कारण रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। इसीलिए तो अपन डेंजर का सिग्नल, खतरे का निशान क्या बनाते हैं? लाल रंग का बनाते हैं। कारण क्या है? कि दूर से ही जब उस पर लाइट, मतलब लाल कलर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जाएगा तो जैसे उस पर लाइट पड़ेगी तो लाल रंग की लाइट स्कैटर्ड कम हो पाएगी और दूर से ही अपने को लाल दिख जाएगा कि वहाँ पे लाल है, मतलब खतरे का निशान है, मतलब खतरे होने का कुछ वो आपको अलर्ट कर देगा। और उसी तरह आपको हमने बताया था कि क्यों स्काई का कलर ब्लू होता है, क्यों क्लाउड का कलर वाइट होता है, ये सारी बातें आपको हमने बताई थी। ये सब अपन ने देख लिया था कि सन राइज और सन सेट के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कारण बता दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये चीज़ अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या? रेनबो पढ़ा था जो किसके कारण होती है। रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है जो किसके कारण होती है? ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट के कारण होती है रेनबो। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। और उसके बाद पढ़ाया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन आपको बताया था कि क्यों स्काई ब्लू कलर का होता है, क्यों क्लाउड वाइट कलर का होता है, क्यों सनसेट या सनराइज के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। फिर बताया था कि क्यों खतरे का निशान लाल रंग का होता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब नया टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं अपन? चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 ही चल रहा है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें अपन ने रिफ्लेक्शन सबसे पहली टॉपिक पढ़ी, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। फिर पढ़ा अपन ने रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ लिया। फिर क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। फिर अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। गोलीय सतह के द्वारा अपवर्तन। याद कीजिए, जब आपको हमने बताया था रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर,
जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर, दो तरह की मिरर होती थी, स्फेरिकल मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसी तरह जब यहाँ स्फेरिकल सरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो दो तरह के स्फेरिकल सरफेस होते हैं, एक कनकेव सरफेस और एक कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे, तो रिफ्रैक्शन फॉर कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस अपन पढ़ेंगे, या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस किसके लिए, फॉर कन्वेक्स सरफेस के लिए। तो अभी पढ़ रहे हैं अपन किसके लिए, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब उत्तल, कनकेव का मतलब अवतल। तो अभी अपन उत्तल वाले जो है सतह के लिए क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो फॉर कन्वेक्स सरफेस। अब ध्यान से समझिए, हाँ देखिए, मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को कह रहे हैं अपन पोल, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अब क्या करेंगे अपन, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को इस सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे, करा दिया। अब इस पॉइंट पर पहले क्या डालेंगे, नॉर्मल, तो नॉर्मल डालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट को कहाँ से मिला दिया, सेंटर से, ठीक। अब लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, मान लीजिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये जा किधर रही है, दूसरे मीडियम में, देखो रेयर से डेंसर, इधर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इधर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, मान लिया, ठीक है, ठीक ना, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। लाइट रे जा कहाँ से कहाँ रही है, रेयर से डेंसर, किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की और ये यहाँ आ गया, मतलब ये कौन है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब ये यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा और क्लियर बना रहा हूँ, यहाँ पे जाके क्या बन गया, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जाके मिली, यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया। बात समझ रहे हैं क्या हुआ, सुनिएगा, बताइए इस पॉइंट, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये सेंटर से पास करे तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को ऐसे गिराया, ऐसे ये लाइट रे ऐसे गई, तो बिना अनडेविएटेड, जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली, तो वो बिना डेविएट किए हुए क्या हो जाती है, इधर से उधर चली जाती हैं, तो ये लाइट क्या हो जाएंगी, प्रोपागेट कर जाएंगी बिना डेविएटेड, तो ये लाइट सीधे ऐसे चली गई, तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो आपको ये मिल गया, एक लाइट को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे गिराया, लाइट जा कहाँ से रही है, रेयर से डेंसर, इधर वाला मटेरियल, इधर वाला मीडियम क्या है, एयर, इधर वाला मीडियम क्या है, कुछ है जिसका ये कन्वेक्स सरफेस बना हुआ है, तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ये एंगल को मान लीजिए ये आर है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे दो दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आके मिल गया और यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना लिया अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना लिया बीटा, कौन सा, बीटा एंगल, दिख रहा है, बीटा एंगल, और नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना लिया, गामा। अब ध्यान से समझिएगा, सर ये 1 2 क्यों लिखे, याद रखना है, देखिए कहने के लिए ना, तो कन्वेक्स सरफेस के लिए चार डेरिवेशन कराएंगे, चारों में आना एक ही फॉर्मूला है, मगर हम एक करेंगे, बाकी लॉजिक सीख लेंगे हो क्या रहा है। देखिए जहाँ से ऑब्जेक्ट से जब लाइट को गिराएंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट को जब सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, तो जिधर ऑब्जेक्ट है
जिधर से लाइट इंसिडेंट होंगी किसी सरफेस पे, उधर वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लेंगे, बाद वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 मान लेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है क्या कि यहाँ भी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पोल से ही लेंगे, मगर याद रहे लाइट रे के डायरेक्शन को अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। मतलब लाइट रे का डायरेक्शन इधर है तो इधर वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि इधर वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक किया सरफेस पे वो पॉइंट M, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बताइए, O से P की दूरी, इस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको अपन U लिख दें। पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, V। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से। यहाँ तक कोई परेशानी? क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझिए, आप देखेंगे, देखिए इन ट्रेंगल ओ सी एम, इन ट्रेंगल ओ सी एम, त्रिभुज ओ सी एम दिख रहा है, ओ सी एम, ओ सी एम क्या है, एक ट्रेंगल है। बताइए ओ सी एम ट्रेंगल को हम यहाँ छोटा सा बना दे रहे हैं, ये सी है, ये एंगल गामा है, ये ओ है, ये एंगल अल्फा है, और यहाँ ये एम है, ये एंगल आई है। ध्यान से देखो बाबू, देखो ओ सी एम ट्रेंगल को हमने यहाँ बना दिया, ओ सी एम, ओ के पास अल्फा एंगल, सी के पास गामा, एम के पास आई। अपन एक ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं, किसी ट्रेंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई, और टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और गामा, तो आई बराबर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर पहला। कोई दिक्कत? अच्छा, और देखिए इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल एम सी आई, देखिए त्रिभुज एम सी आई, एम सी आई त्रिभुज को फिर से मैं बना दे रहा हूं, ये सी है, ये आई है, इन्होंने एंगल कितना बनाया, बीटा, ये नॉर्मल वाला लाइन था, इन्होंने एंगल कितना बनाया, गामा, और यहाँ पे एंगल क्या है, आर। ये देखो एम सी आई, तो ये बीटा, ये आर, और ये गामा, ठीक है। बताइए यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा, तो गामा बराबर क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, आर प्लस बीटा। तो बताइए बाबू यहाँ से आर बराबर लिख सकते हैं गामा माइनस, अरे आर को इधर भेजो, गामा माइनस बीटा, तो आर बराबर लिख देंगे गामा माइनस बीटा, आर बराबर क्या लिख देंगे, गामा माइनस बीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में आया ना, एक्सटीरियर एंगल गामा है और अपोजिट इंटीरियर एंगल है आर प्लस बीटा, तो गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत? एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से समझिए, अब अपन क्या करते हैं, पहले वाले सरफेस पर, पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, मतलब इस कर्व सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। देखिए अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, और इस मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, लाइट रे ने नॉर्मल के साथ इस मीडियम में एंगल बनाया है आई, तो उसका साइन, तो म्यू वन इंटू साइन आई बराबर। दूसरे मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है आर, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इंटू साइन आर। अच्छा बताइए ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा होगा, तो स्मॉल अपर्चर होती है, ये जो अपर्चर है कर्व सरफेस का, कन्वेक्स सरफेस का, ये अपर्चर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अपन ऐसा लिखें फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर अगर हमारा अपर्चर क्या हो, अगर हमारा अपर्चर बहुत छोटा हो तो हम क्या कहेंगे, सुनिएगा, अगर सर ये अपर्चर बहुत छोटा होगा तो
तो लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो भी क्या होगी, बहुत छोटा। और आई जब बहुत छोटा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आर भी बहुत छोटा होगा। इसका मतलब जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो आई और आर बहुत छोटा होगा। अगर आई और आर बहुत छोटा है तो क्या साइन आई को आई लिख दें और साइन आर को क्या लिख दें, आर लिख दें। तो यहाँ से लिख देंगे म्यू वन इंटू साइन आई को आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर को आर। इक्वेशन नंबर ये आ गया, कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए, अब यहाँ आइए, ये क्या है, आई एंगल है। याद कीजिए आपने सर्कल वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ा है कि अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा बना रहा है और ये क्या है, आर्क की लंबाई है। तो बताइए क्या होता है, एंगल बराबर आर्क बटे रेडियस। क्या ऐसा होता है, एंगल बराबर किस, एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। चलिए अब आई एंगल को देखिए, हाँ म्यू वन साइन आई। आराम से पहले एक चीज़ समझ लेते, बताइए यहाँ से क्या आई एंगल को इक्वेशन नंबर पहले से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। और एंगल आर को क्या लिख सकते हैं, एंगल आर को लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा। ठीक है, एंगल आई को क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा, और एंगल आर को क्या लिखा, गामा माइनस बीटा। ध्यान से समझिएगा, अल्फा क्या है एंगल, यहाँ आइए, अल्फा कहाँ है, यहाँ। तो बताइए ये इसको आप ऐसे, ये ऐसे समझो बाबू, सिंपल, ये एमपी लाइन क्या होगी, जब ये कर्व बहुत छोटा है तो क्या यहाँ ये जो पी पॉइंट है और ये जो एम पॉइंट है, क्या ये लाइन आपको स्ट्रेट दिखेगी ऐसे? अरे जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये एम पी अभी ना आपको कर्व दिख रहा है, रियल में जब अगर अपर्चर बहुत छोटा हो तो आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये एम पी एक लाइन दिखेगी। याद कीजिए जब एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा जब बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा को टेन थीटा भी लिखते हैं अपन, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। आप चाहें तो इस आई को क्या लिख दें, इस अल्फा को लिख दें टेन अल्फा। अरे भाई आई बहुत छोटा है तो आई को क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा। तो आप ऐसा देखो, एक काम और है, क्या अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब एंगल क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर थीटा बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा को टेन थीटा के अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है और दोनों को लगभग लगभग थीटा के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ आई बहुत छोटा है, आई को ही क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा। आई बहुत छोटा है इसका मतलब अल्फा गामा भी बहुत छोटा है, और अल्फा को क्या टेन अल्फा लिख दें, हाँ या ना, अल्फा को टेन अल्फा लिख दें। तो बताइए टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे ये एम पी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ऐसा लिख दें डायरेक्ट, अल्फा बराबर क्या लिख दें, एम पी बाय ओपी। मैंने आपको समझा दिया कैसे लिख रहे हैं। गामा, यहाँ देखो गामा, इस ट्रेंगल में गामा, फिर से टेन गामा, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, एम पी, बेस कितना, सी पी। तो क्या लिखेंगे, एम पी बाय सी पी, क्लियर है, बराबर म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। गामा को फिर से क्या लिख देंगे, एम पी बाय सी पी, एम पी बाय सी पी माइनस बीटा। बीटा यहाँ है तो ये वाला ट्रेंगल में देखो, ये वाला ट्रेंगल में क्या होगा, टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एम पी बाय पी आई, एम पी बाय पी आई। ठीक है, एम पी बाय पी आई, आराम से एम पी कॉमन लेके क्या कैंसिल कर दें दोनों तरफ, एम पी कॉमन लेके क्या कर दिया, कैंसिल। अब ध्यान से देखो, म्यू वन वन बाय ओ पी, ओ पी कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगी उधर से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर के मीडियम को वन मान लेंगे, बाद वाले को टू मान लेंगे। लाइट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसा मानेंगे, पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसा मानेंगे, नेगेटिव। तो वन बाय ओ पी, ओ पी डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, माइनस का यू, प्लस वन बाय सी पी, सी पी देखो प्लस का आर, बराबर म्यू टू वन बाय सी पी प्लस का आर माइनस का वन बाय पी आई, पी आई को क्या लिखेंगे, प्लस का भी, इमेज डिस्टेंस।
यहाँ तक कोई परेशानी। अब देखो क्या बन गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया माइनस का म्यू वन बाय यू, माइनस का म्यू वन बाय यू प्लस का म्यू वन बाय आर बराबर म्यू टू बाय आर माइनस का म्यू टू बाय भी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय आर बराबर म्यू टू बाय आर माइनस का म्यू टू बाय भी। बस इसको देख लेते हैं, ये म्यू टू बाय भी माइनस में है ना, इसको इधर बुला लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का म्यू टू बाय भी। अरे भाई ये माइनस का म्यू टू बाय इधर इधर है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस का म्यू वन बाय यू पहले से इधर है तो म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू बराबर क्या बचा, इस म्यू वन बाय आर को उधर भेज दीजिए, म्यू टू बाय आर पहले से है तो ये बन जाएगा म्यू टू बाय आर माइनस का म्यू वन बाय आर। दिख रहा है क्या? बोल भाई, नहीं दिख रहा है? ओके इधर इधर लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, म्यू टू बाय भी, म्यू टू बाय भी को इधर बुला लिया माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू, ये म्यू वन आर उधर चला गया तो ये बन गया म्यू टू बाय आर पहले से था माइनस का म्यू वन बाय आर, इसी को लिख देंगे म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू बराबर आर एलसीएम ले लेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, यही है रिजल्ट। दिख रहा है, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फार्मूला याद रखना है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस के लिए कौन सा फार्मूला, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जिधर से लाइट इंसिडेंट होंगी उधर वाले मीडियम को वन मान लेंगे, जिधर लाइट जा रही होंगी उधर के मीडियम को टू मान लेंगे। ठीक है, और लाइट रे के डायरेक्शन के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। तो ये अभी अपन ने किसके लिए देखा, स्फेरिकल सरफेस में ही किसके लिए देखा, कन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। अब सेम किसके लिए देखेंगे, कनकेव सरफेस के लिए। पहले एक बार आप अच्छे से इसको देख लो फिर अपन कनकेव सरफेस के लिए देखते हैं, है ना। बोलो भाई, अब अपन किसके लिए देखेंगे, कनकेव सरफेस के लिए। कनकेव सरफेस के लिए अपन क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। कि अगर किस रिफ्रैक्शन किसके द्वारा हो, कनकेव सरफेस के लिए। अभी किसके लिए देखा, देखिएगा कनकेव सरफेस के लिए भी फॉर्मूला यही आएगा क्या, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। मैंने आपको बताया था कि म्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी बुक में म्यू के जगह एन लिखा होता है, तो बहुत जगह पे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में म्यू टू म्यू वन नहीं लिखा होगा, एन टू एन वन लिखा होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, उससे टेंशन नहीं लेना है। चलिए इधर देखिए, फॉर किसके लिए, कनकेव सरफेस के लिए, अवतल सतह, फॉर कनकेव सरफेस। ऐसा है, ये हो गया पोल, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को इंसिडेंट कराया,
अब इस पॉइंट पर नॉर्मल डालना होगा, तो क्या करेंगे, रुक जाइए, थोड़ा सा फिगर बड़ा हो इसके लिए, थोड़ा सा अपन इसको यहाँ बना लेंगे, ऐसे सोचते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर नॉर्मल, ये हो गया सेंटर, तो ये हो गया नॉर्मल। हाँ, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, एम, ठीक है। अब लाइट रे इधर क्या, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी, तो ये लाइट ऐसे चली जाएंगी। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज यहाँ बनेगा, बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, जबकि ये क्या बना, ये क्या है, सेंटर और एम के बीच, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना है, सुनिएगा, अब देखिए इधर ध्यान से, ये कौन है, ये नॉर्मल है, ये डॉटेड वाली लाइन क्या है, सॉरी ये क्या है, सी को एम से जो मिलाया, दिख रहा है क्या फिगर, क्लियर क्लियर फिगर दिख रहा है। चलिए यहां देखो, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के जो साथ एंगल बनाया वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आप चाहें तो देखिए, ये एंगल आर है, ये लाइन और ये लाइन रिफ्रैक्टेड रे, ये आर है, तो क्या इस एंगल को आर लिखा जा सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब मान लीजिए इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, रिफ्रैक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा बनाया, और नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा बनाया। देख लो भाई आराम से देख लीजिए क्या क्या है, फिगर को क्लियरली देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कन्वेक्स सरफेस है, ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे को यहाँ गिराया, इस पॉइंट पर नॉर्मल डालना है, इस पर ये नॉर्मल डाला गया, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी, और इस लाइट रे को पीछे बढ़ाया और ये आके यहाँ इमेज मिल गया, ये क्या है, सेंटर, सही है। अब लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको कहेंगे अपन आई, और लाइट रे रिफ्रैक्टेड लाइट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको कहेंगे अपन आर। फिगर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ रहा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल, या ऐसे ऐसे, ये हो गया सेंटर, नॉर्मल के साथ लाइट रे ने एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अब लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी, इस लाइट, तो यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे कितना एंगल बनाएगा, आर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आगे कहाँ जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको पीछे बढ़ाते, चूँकि एक लाइट को तो इस पे गिराएंगे तो ये उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, ऐसे ही अनडेविएटेड चला जाएगा, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, ये बन गया इमेज, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब एक बात आराम से बताइए, ये लाइन तो एक ही है ना, एक ही है, और ये नॉर्मल वाली लाइन है,
तो बताइए दो एंगल अगर यहाँ आर है तो ये भी आर होगा ना, तो यहाँ आर है तो क्या ये दोनों किसके बीच, इमेज वाली लाइन और नॉर्मल वाले लाइन के बीच का एंगल यहाँ आर हो जाएगा। मान लीजिए इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा बना लिया, रिफ्रैक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा बना लिया और नॉर्मल ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना लिया, ठीक है। ये है फिगर, अब देख लीजिए वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा है, ठीक। अब एक बात, फिगर आपको क्लियर हो गया, अब काम अपना आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए कैसे, इधर देखो, चलो ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल त्रिभुज किस किस में, इन ट्रायंगल एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी मैं बना दे रहा हूं, एम ओ ये सी है, सी के पास यहां एंगल गामा है, यहां ओ है, ओ के पास यहां एंगल अल्फा है, यहां एम है, यहां एंगल आई है, तो आप ही बता दीजिए, एक्सटीरियर एंगल गामा, इंटीरियर एंगल आई और अल्फा, तो गामा बराबर क्या लिखेंगे, आई प्लस अल्फा, तो बताइए आई बराबर क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा, तो डायरेक्ट लिख दे आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। अगला देखो, इन ट्रायंगल कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड में दोनों कन्वेक्स कनकेव के लिए, तो इन ट्रायंगल, अच्छा एक चीज़ देखो, पिछले वाले केस में रिफ्रैक्टेड रे रियल में मिला था ना, तो इमेज क्या बना, रियल, जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रियल में नहीं मिल रहा है, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया है वर्चुअल में, तो ये कौन सा केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बन रहा है, तो क्वेश्चन में आपको कहेगा कि ये वाला फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये फॉर्मूला डेराइव करिए, या तो जनरली दे देगा कनकेव के लिए निकालिए या कन्वेक्स के लिए, अगर और वो डिफिकल्ट पूछना चाहेगा ना तो वो आपको एक चीज़ और मेंशन करेगा कि कनकेव के लिए बताइए, वर्चुअल इमेज के लिए तब तो ये बना देंगे, कनकेव के लिए रियल इमेज तब इसी ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ा रख के बताएंगे आपको कैसे करेंगे। इधर देखिए अभी, हाँ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, एम सी आई, इन ट्रायंगल एम सी आई, अब त्रिभुज एम सी आई को देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये है सी, ये है आई और ये है एम, तो ये वाला एंगल बन रहा है आर, ये वाला एंगल बीटा और ये एंगल गामा, अब देखो नहीं एम आई पे बीटा, एम पे आर और सी पे गामा, तो बताओ गामा बराबर क्या लिखेंगे, गामा बराबर लिखेंगे बीटा प्लस आर, तो बताइए आर बराबर गामा माइनस बीटा, आर बराबर क्या लिखेंगे गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है, आर बराबर क्या लिखेंगे गामा माइनस बीटा। अब आओ ध्यान से, फिर से वही बात, स्नेल्स लॉ लगाइए, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई जैसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाइए तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू वन, इस वाले मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया आई, उसका साइन ले लेंगे तो म्यू वन इंटू साइन आई, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू टू, और दूसरे वाले मीडियम में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया आर, तो उसका साइन साइन आर, ठीक है। फिर से वही बात, ये एम पी अपर्चर, ये जो अपर्चर है वो क्या है, छोटा है, तो फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर अपर्चर बहुत छोटा है तो ये आई और आर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो बताइए साइन आई को आई लिख दें और साइन आर को आर लिख दें, म्यू वन इंटू आई के जगह क्या लिख दें, यहाँ से देखो गामा माइनस अल्फा, जबकि आर के जगह क्या लिख दें, आर के जगह लिख देंगे अपन गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब आओ इधर, म्यू वन जिस तरह अपन ने बोला कि अपर्चर बहुत छोटी है तो एंगल आई छोटा होगा, एंगल आई छोटा है तो गामा और अल्फा भी छोटा होगा, तो गामा को गामा लिखिए या टेन गामा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से आओ टेन गामा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा एम पी बाय सी पी, एम पी बाय सी पी माइनस अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर एम पी बाय ओ पी, एम पी बाय ओ पी बराबर म्यू टू इंटू
गामा क्या लिखेंगे, एमपी बाय सीपी माइनस, अब बीटा, बीटा क्या लिखेंगे, टेन बीटा बराबर एमपी बाय पीआई, एमपी बाय पीआई क्या होगा, इधर से एमपी एमपी, इधर से एमपी एमपी को कैंसिल कर देगा। लाइट रे का डायरेक्शन इधर है तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव। अब यहाँ आइए, म्यू वन इंटू वन बाय सीपी, सीपी बोले तो सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर मगर नेगेटिव का, तो माइनस का आर, माइनस का ओ पी, ओ पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे आर, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे भी इमेज डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओ पी, ओ पी को लिख देंगे माइनस का यू बराबर म्यू टू इंटू, म्यू टू इंटू वन बाय सी पी के जगह माइनस का आर, माइनस का वन बाय पी आई, पी आई का मतलब इमेज का डिस्टेंस, क्या लिखेंगे माइनस का भी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का म्यू वन बाय आर माइनस माइनस प्लस म्यू वन बाय यू बराबर माइनस का म्यू टू बाय आर माइनस माइनस प्लस का म्यू टू बाय भी, सही है। अब म्यू टू बाय भी को इधर ही रहने दो, म्यू वन बाय यू को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू, म्यू टू बाय भी को इधर ही रखा, म्यू वन बाय यू को उधर भेज दिया, अब म्यू टू बाय आर को इधर भेज दो, तो म्यू टू बाय आर माइनस का म्यू वन बाय आर, फिर से आर एलसीएम ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। फिर से देखो फॉर्मूला दोनों के लिए क्या आया, सेम आया क्या, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस हो या कनकेव सरफेस, फॉर्मूला एक ही आया क्या, म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा हो या कनकेव सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा हो, फॉर्मूला एक ही होगा। कंडीशन कुछ भी दे फॉर्मूला यही आएगा, कंडीशन कुछ भी दे फॉर्मूला यही आएगा। जनरली डेरिवेशन में ये दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कुछ भी वैरायटी का हो सकता है। अभी आप ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हैं, मतलब कहें तो आप इसको रेरर मान रहे हैं, इसको डेंसर, क्वेश्चन में क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही लगाना है। बस याद क्या रखना है, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन, जिधर दूसरे तरफ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू टू, लाइट रे जिधर से जाएगी तो जिधर होंगी उधर वाले को वन दूसरे वाले को टू, लाइट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल कुछ भी दे अपने से सब बनेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा क्या, म्यू टू बाई भी माइनस का म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अब इस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्शन किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे।
एक कन्वेक्स सरफेस दे रखा है, ये पोल है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम दे रखा है एयर, तो ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ सी है, और सी से पी के बीच के डिस्टेंस को आर बोल दिया है। इमेज इधर बन रहा है, उन्होंने ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है इफ पीओ बराबर यहाँ पे इमेज, इफ पीओ बराबर पीक्यू देन कैलकुलेट, इफ पीओ बराबर पीक्यू देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इन टर्म्स ऑफ आर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कन्वेक्स सरफेस है, इधर वाला मीडियम क्या है एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये कौन है ऑब्जेक्ट है। फिर दे रखा है इमेज, यहाँ बन रहा है ये सी है ये पी है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और दे रखा है कि इफ पी ओ बराबर क्या है पी क्यू देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इन टर्म्स ऑफ आर। बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से आर के रूप में, आर के टर्म में कितनी होगी, मतलब आंसर किसके टर्म में आएगा आर के टर्म में, निकालना क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैसे पता चला सर, देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से पोल से, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालना है ना, मगर वो आंसर किसके टर्म में आएगा आर के टर्म में। आर किसको बोला है, सीपी को क्या बोला है आर बोला है। आइए इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका, चलिए इधर देखिए, मान लीजिए यही दे रखा है ना अपने को, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे इंसिडेंट कराएंगे और कहां मिला देंगे, जहां पे इमेज बन रहा है, नहीं इमेज बन गया, ये क्या हो गया सी, तो ये हो गया इमेज, यहां पे बन गया ये सी, और ये क्या हो गया पी, ये डिस्टेंस आर, सही है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा वी, और ये डिस्टेंस क्या होगा यू, सही बात है, ठीक है। यहाँ पे कौन बन रहा है इमेज, यहाँ कौन था ऑब्जेक्ट, बताइए लाइट रे ऐसे जा रहे हैं तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, किधर से लाइट जा रही है इधर से, तो इधर वाले को 1 कहेंगे, मतलब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1.5। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, वही जो अभी पढ़े, क्या म्यू टू बाई वी माइनस का म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। म्यू 2 कितना दे रखा है 1.5 भी, और क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है पी ओ बराबर पी क्यू, पी ओ क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी क्यू क्या है इमेज डिस्टेंस, तो क्या पी ओ पी क्यू के बराबर दे रखा है, पी ओ किसके बराबर दे रखा है पी क्यू के बराबर, अब ध्यान से समझिएगा पी ओ किसके बराबर दे रखा है पी क्यू के बराबर। हमको रियल में निकालना क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से पोल से, मतलब पी ओ निकालना है, तो ऐसा करें सर पी ओ को तो पी ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहने ही देंगे, सिर्फ इमेज डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे। कैलकुलेट क्या करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, इमेज डिस्टेंस तो कैलकुलेट करना नहीं है, मगर अपने को पता है कि पी ओ किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है, अगर पी ओ पी क्यू के बराबर है, अगर पी ओ क्या है पी क्यू के बराबर है, अगर पी ओ पी क्यू के बराबर है तो इन दोनों को अपन एक नया नाम दे दें कि ये एक्स है, मान लेते हैं अगर ये एक्स है तो देखो म्यू 1 का मान कितना 1, म्यू 2 का मान 1.5, यू कितना होगा यू हो जाएगा, अरे OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में कितना माने हैं OP को x, तो ये बन जाएगा माइनस का x, इमेज डिस्टेंस PQ कितना हो जाएगा v बराबर प्लस का x, सही बात है। आइए इस फॉर्मूला में रख लेते हैं म्यू 2 बाय v के जगह क्या रखेंगे प्लस का x माइनस का, म्यू 1 बाय यू म्यू 1 के जगह 1, u के जगह कितना रखेंगे माइनस का x बराबर म्यू 2 कितना 1.5 माइनस म्यू 1 1 बाय r, r तो r ही रहेगा, ये क्या बन गया 1.5 बाय एक्स
माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स, 1.5 में से 1 गया 0.5 बाय आर, एलसीएम एक्स ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 1.5 प्लस 1 बराबर 0.5 बाय आर, ये बन जाएगा 2.5 बाय 0.5 बराबर 2.5 बाय एक्स बराबर 0.5 बाय आर। डेसिमल हटाया यहाँ 10 आ गया, डेसिमल हटाया यहाँ 10 आ गया, 10 से 10 निपट गया, 5 से ये 5 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का मान कितना आ गया 5 आर। और x क्या है, क्या x अपन किसको माने थे, PO और PQ को, और PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है कहाँ से, पोल से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 5 आर। सिंपल, ये x बराबर 5 आर ही क्या आया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया, कहाँ से, पोल से, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया 5 आर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में सारा चीज दे रखा था डेटा, बस अपने को क्या करना था, सिर्फ ये देखना था कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि पीओ किसके बराबर है, पीक्यू के बराबर है, और उसको अपन ने क्या मान लिया एक्स, और क्वेश्चन में पूछा क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा था, कहाँ से, पोल से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से निकालना है, मतलब एक्स ही निकालना है जिसको अपन ने एक्स माना है, तो म्यू वन दिया था, म्यू टू दिया था, यू निकल गया, भी निकल गया, और यू की वैल्यू बाद में अपन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल कल करेंगे अपन अच्छे अच्छे प्रोफाइल के, और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।